लाहौर ब्रिज की तोसी गले की हड्डी बन गई। मंसूबा डेढ़ साल बाद भी मुकम्मल ना हुआ। निगरान हुकूमत की दी गई डेडलाइन में 10 रोज बाकी। लाहौर ब्रिज की फिनिशिंग का काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। उधर सगिया रोड मंसूबे में शफाफियत की जांच पड़ताल मुश्किल में। ताकतवर हाथों ने रिकॉर्ड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से छुपा लिया। सगिया रोड मंसूबे पर 4,51,00,00,000 रुपए की लागत आई थी। टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसी अपग्रेड ना हुई। सीनियर डॉक्टर्स प्रोफेसर्स मौजूद जबकि ट्राई एज रूम्स बने। ना नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर हुई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ तिब्बी सहूलतों को यकीनी ना बना सका। पब्लिक सेक्टर कंपनियों में 17 अरब के माली बेजाब्तियों का इंकशाफ हुआ। कंपनियों में 24 करोड़ के फंड का गलत इस्तेमाल हुआ। खजाने को गैर कानूनी खरीदारी सर्विसेज की मत में 11 अरब का नुकसान। ऑडिटर जनरल ने साल 2021-22 में बेजाब्तियों की रिपोर्ट जारी कर दी। कोरोना के वार जारी। शहर में मजीद 4 नए मरीजों की तस्दीक। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों में 1 बच्चा भी शामिल। उधर डेंगू भी शहर पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। इंतजामिया के शहरों को गली मोहल्ले साफ रखने की हिदायत। जमान पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल। जिला इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से कंटेनर हटा लिए। ग्रीन बेल्ट क्लियर। आरसी रुकावटें हटा दी। सफाई भी कर दी। डीसी राफिया हैदर ने इंतजाम का जायजा लिया। केनाल रोड ताहाल ट्रैफिक लिए बंद। लग्जरी टैक्स जमा क्यों नहीं करवाया। इमरान खान को एक और नोटिस जारी। 22 मई तक जवाब तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने लग्जरी टैक्स की मद में 14,40,000 अदा करना है। टैक्स अदा ना हुआ तो जमान पार्क का घर सील हो सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा लाहौर। जिना हाउस और फौजी तंसीबात का जायजा लिया। जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल भी रखे। शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर लाहौर में अफसरान और जवानों से खिताब। जनरल आसिम मुनीर सर्विसेज अस्पताल भी गए। पुलिस अफसरान और अहलकारों की अयादत की। पाक फौज के डॉक्टर्स की टीम का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिज़वी की अयादत की। डीआईजी की जख्मी आंख का मुआयना किया। अली नासिर 9 मई के हंगामों में जख्मी हुए। डॉक्टर्स ने आंख का ऑपरेशन किया। वक्त के दीगर पुलिस अहलकारों से भी मुलाकात हुई। लाहौर में 2 रोजा जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आगाज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का इजहार ख्याल। जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस आसिम हफीज की शिरकत। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सैयद मोहम्मद अदीक शाह, जस्टिस यूसुफ अली सैयद शरीफ। कॉन्फ्रेंस में वफाकी और सूबाई लॉ अफसरान और वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। सियाहों के लिए अच्छी खबर। लाहौर से सकंदू के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। 3 जून से पीआईए के तैयारे उड़ान भरेंगे। हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। गिलगित चतराल के लिए भी जल्द परवाजें बहाल होंगी। साल से कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। आज से कम उम्र ड्राइविंग पर गाड़ी मोटरसाइकिल थाने बंद होगी। मोटरसाइकिल में ऑल्टरेशन करने वाले भी हवाला जाएंगे। बेजा हॉर्न बजाने वालों के लिए भी कोई माफी नहीं। सीटीओ लाहौर ने दो टोक बता दिया। खाली प्लाटों के टैक्स नादहिंदगान के गिर्द शिकंजा सख्त। महकमा एक्साइज का सोसाइटीज के दफातर सील करने का फैसला। डीजी एक्साइज के मुताबिक लाखों की तादाद में खाली प्लाट हैं। सोसाइटी और मालिकान ने बरसों से टैक्स अदा नहीं किए। मिंट घुमरी रोड पर तजावुजात के डेरे। दुकानों के बाहर दुकानें सज गई। गाड़ियों के काम के लिए पूरी सड़क पर कब्जा जमा लिया गया। गलत पार्किंग भी शहरियों के लिए दर्दे सर बन चुकी। शहरियों ने इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। एलडीए का ग्रैंड ऑपरेशन। करोड़ों मालियत के अराजी माफिया से वाकगुजार करा ली। कॉलेज रोड टाउनशिप से पेट्रोल पंप की जगह खाली। पैकेजिस मॉल के करीब 14 दुकानें वाकगुजार करवा ली। We'll be right back.
कैनाल रोड नशेयों की आवाजगाह बन गई। मुस्लिम टाउन चौक पर नशे के इंजेक्शन की स्मगलिंग होने लगी। दो पुलिस एहलकार सहूलतकार बन गए। फुटेज सामने आ गई। टाउनशिप के एक घर में आतिशबाजी। शॉर्ट सर्किट ने कीमती सामान राख बना दिया। फायर फाइटर्स ने शोलों पर काबू पा लिया। आजम के मुताबिक 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ। एंटी करप्शन पंजाब में अफसरान की कमी। 10 डीएसपी की खिदमत डीजी एंटी करप्शन के हवाले। डीएसपी गुलाम फरीद खान, जहूर हुसैन, फरुख सुहेल शामिल, जबकि कमर मुमताज, असद अब्बास खान, शबीर अहमद बड़ाइज, उमर हयात के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सुई गैस मीटर पर 500 रुपए फिक्स चार्जेस। हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने वफाकी हुकूमत आगरा सुई नॉर्दर्न गैस को फरीक बनाया है। उधर बिजली महंगी होते ही बिजली की चोरी भी बढ़ गई। केसों की समाप्त के लिए 8 एडिशनल सेशन जज मुकर्रर। 87 मुलजिमान की इसलाह हो चुकी। फितने को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। इमरान खान की जड़ें मजबूत करने के लिए सहूलतकारी हुई। फितने ने मुल्क की सालमियत पर हमला किया। मरियम नवाज का उलमाओं मशाक से खिताब। कहा, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। मरियम नवाज से अदाकार ताहिर अंजुम की मुलाकात। नून लीग कल्चर विंग को फॉल करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सीनियर कानूनदान हामिद खान की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और कानूनी अमूर पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इल्जामात को बुनियाद बनाकर इमरान खान का रास्ता रोका जा रहा है। ताजरों का पाक फौज से यकजहती का इजहार। मुजाहिद मकसूद भट्ट की क्यादत में रैली। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मुजाहिद मकसूद भट्ट का तमाम मार्केट से कौमी परचम लहराने का ऐलान। टेस्ट क्लब के बाहर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कैंप कायम। सरबराह और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर समेत दीगर की शिरकत। अच्छी कारकर्दगी पर अफसरान और अहलकारों की हौसला अफजाई। सीपीओ में तकरीब। आईजी पंजाब ने इनामात दिए। अफसरान और अहलकारों में 13,57,000 रुपए के नकद इनामात तकसीम हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर सईद अख्तर की शिरकत। शहबाज शरीफ की जदीद आलात के लिए हाल रुकावटों को दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत अब्दुलरहमान कांजू की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब अली गुरहमान से गुजरांवाला चैंबर के वफद की मुलाकात। शुएब भट्ट की क्यादत में आए ताजरों ने मसाइल बताए। गवर्नर पंजाब ने हल की यकीन दहानी करवाई। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत इजलास। शिदरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करने का फैसला। पौधे की किस लोकेशन और नशोनुमा की निगरानी मुमकिन होगी। पीएचए, जंगलात, जरात, माहौलियात समेत दीगर महकमे मिलकर काम करेंगे। लाहौर चैंबर इंतखाबात के लिए जोर तोड़ की सियासत अरूज पर। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप ने ताजर सनती तंजीमों की शमूलियत। अली हशाम असर से ताजी रहनुमा शाहिद नजीर की मुलाकात। सदर उर्दू बाजार अबूजर गफारी, जावेद इकबाल, हारिस अतीक समेत दीगर शरीक हुए। ताजी रहनुमा का पायोनियर्स ग्रुप की हिमायत का ऐलान। बरगजार सोसाइटी में खवातीन के लिए रंगारंग बाजार सज गया। कपड़ों, ज्वेलरी, जूते, ब्यूटी पार्लर की मसनूआत के स्टॉल तवज्जो का मरकज। मजे मजे के खानों के स्टॉल पर खवातीन का रश। पीसी होटल में बैनुल अक्वामी फैमिली डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का खिताब। कहा, शोबा सेहत के लिए सबको किरदार अदा करना पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों को आम आदमी के लिए सूदमंद बनाएंगे। प्रोफेसर खालिद मसूद कोंदर, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निजामी, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक समेत दीगर शरीक हुए। पाकिस्तान आर्थोप्लास्टी वर्कशॉप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तमाम प्रोफेसर जावेद अकरम, प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर फैसल मसूद की शिरकत। प्रोफेसर सईद शाहिद नूर, डॉक्टर सुहेल नियाजी, डॉक्टर असद अली, डॉक्टर रजा अहमद शरीक हुए।
महकमा हेल्थ केयर के ज़ेर-ए-एहतमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी सेहत अली जान खान ने सदारत की। अस्पतालों में सहूलियत के फ्राहमी और इंतजामी आमूर ज़ेर गौर आए। महर जफर हयात, फातिमा शेख, अमारा खान समेत दीगर की शिरकत। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान कोटिंग एंड केमिकल शो का आखिरी रोज। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट ने मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। एक्सपो में शरीक कंपनियों के नुमाइंदों में शील तकसीम। अमाना मॉल में पियाफ पाकिस्तान की लॉन्चिंग तकरीब। चेयरमैन पियाफ फहीमुर रहमान, आबिद अली भट्ट, मियाँ अंजुल नसार, कासिम अली शाह की शिरकत, जफर महमूद, शाहिद कादिर, शेख उमर सरफराज समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। न्यूज आर्ट गैलरी में मुसव्विर खालिद महमूद के फनपारों की नुमाइश। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी ने इफ्तिताह किया। शुरका ने अंदरून शहर की सकाफत की मंजरकशी को खूब सराहा। और ईडन क्रिकेट क्लब ने अलीमदार अकेडमी को 77 रन से शिकस्त दी। ईडन क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए 275 रन बनाए। अलीमदार क्लब की टीम हदफ के ताकुब में 198 रन पर ढेर हो गई।